देखा लगता है। अरे मैंने नहीं देखा था, पर हम लोग कस्टमर आके बता रहे थे कि भाई अरे तुम तो तुम्हारी दुकान लॉक पे दिखे हम लोग। बोला अच्छी बात है। धड़क धड़क बोला, मेरे को समझ गया, बंदा मालूम पड़ गया कौन था। हम लोग भी कल आए तभी वही पूछा ना भाई पहचाना कि नहीं, तो भाई सीधा बोले पहचान लिया। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग कुनाल विजन अदर ब्लॉग्स। तो गाइज आज मेरे साथ राहुल, कुनाल और दर्शित। अरे बच्ची इधर तो आ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला तो थैंक यू फॉर इतना मतलब सपोर्ट देने के लिए। कल ही वीडियो डाला था तो 8K प्लस व्यू मेरे चले गए और ये हेलमेट ही नहीं निकाल रहे हैं गए साल का पार्टनर। तो सब लोग मुझे बहुत बोल रहे थे कि मोनो गाइड का मांझा भाई अपने लिए अच्छा नहीं है मतलब। तो मुझे गए साल के वीडियो में मतलब बहुत जने कमेंट किया था कि मोनो गाइड का वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने मोनो गाइड का वीडियो बनाया था। तो अभी हम लोग फिर से आए यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए। तो आज हम लोग काइट्स की वैरायटीज़ देखते हैं और इंडियन मांझा देखते हैं। तो कौन सा मांझा देखने वाला है आज? आज इंडियन ही देखेंगे, सूरती का फिलहाल प्लान चालू है क्योंकि लास्ट टाइम बहुत मजा आया, ये साल भी मजा करेंगे। तो अभी मोनो गाइड को जाके छोड़ दो, अभी अपन इंडियन मांझे पे आते हैं। कौन सा वाला? 12 तार और 16 तार और 9 तार, क्योंकि जाड़े तार में काटने पेज मजा आती है। हाँ तो फिर उसमें ट्राई करते हैं अभी मोनो गाइड जान दो चाइना मांझा। सब लोग बहुत कुछ बोल रहे थे मतलब चाइना मांझे में मतलब मत यूज करो, बैन है ऐसा सब। तो फिर मैं बोला तो चलो वो मांझा अभी छोड़ दो, वो वाला मोनो गाइड मतलब बात ही नहीं करना है अभी हमको। तो अभी जाते हैं शॉप पे, तो शॉप यहाँ पर ही है और आपको मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मलाड वेस्ट सोमवारी बाजार, शॉप का नाम है RK फायरवर्क्स। हाँ तो ये सर्च करोगे गूगल में तो भी आ जाएगा, गूगल में सर्च करोगे फिर भी मिल जाएगा। तो चलो नियर मलाड पुलिस स्टेशन। आज पतंग का वैरायटी देखते हैं, आज पतंग देखते एकदम तगड़ा वाला। कौन सा कौन सा देखेंगे भाई? तो भाई आ चुके हैं यहाँ पर। भाई आज कुछ अलग बताना। अलग क्या बताना अब? यार अलग कुछ बताने वाले राहुल, कौन सा अलग देखने का है? आज कुछ अलग देखना है। मोनो गाइड को छोड़ के कोई भी आज मोनो गाइड छोड़ के भाई क्या बोला तूने? उसमें नहीं चाहिए अपना ये 12 तार 9 तार, उसमें प्लास्टिक नहीं चाहिए। 12 तार 2 रील इधर लिखा रहे। दर्शित भाई किधर से लाया? मांझा किधर से लाया तू? बरेली का, तो बाद में बताएगी अभी अपन। यहाँ पर पतंग देखो बहुत सारी है, 400 का कोड़ी है भाई, बहुत तगड़ा वाला पतंग है वाला। कुछ हैवी हो जाते ऊपर जाके। हाँ इसमें क्या हम लोग ने देखी थी और पतंग तो भाई बहुत ही मस्त थी। और आप देख रहे हैं ये कितना तार है? 12 तार 2 रील। चेक कर ले भाई, सही है ये। ये 5 1 रील का है और 2 रील का है। 2 रील का सस्ता पड़ेगा, 1 रील 500 रुपये पड़ेगा। कलर में यही है, कलर में यही आता यही आएगा। 9 मतलब वो पूरा 9 कलर मिक्स आएगा। अच्छा इसमें इसमें खार भी अच्छा है इसमें थोड़ा। 9 रंग का 12 तार बोलते हैं। हाँ कुछ रिव्यू तो इसका क्वालिटी एकदम बेस्ट है। मेरे को ऐसा लगता है आपकी इधर का क्वालिटी एकदम बेस्ट ही रहता है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ भी। इससे बड़ी पतंग जो उड़ जाएगा दर्शन के साथ ही। ओ भाई बड़ी पतंग चाहिए इसको। ओ भाई पतंग देखो, ये लड़के से तो बड़ी उसकी पतंग लग रही भाई, गजब बेइज्जती है। खड़े रह ऐसा, ये देखो एक कितने का भाई? ये कितने का एक पता? 50 रुपीज का। इससे छोटा 40 का है, ये 40 का है। हाँ एक नंबर दिख रहा है भाई, बहुत सही दिख रहा है भाई, पूरा कार्टून आ गया इसमें। शाम हो जाएगा ना 4 बजे लेके बैठ जाने का, बहुत मस्त दिख रहा है। अजल मरो भाई का हां गुना 4 बजे लेके बैठ जाने का। इसका खार भी अच्छा है इसका, बहुत सही है। और वो शिवम वाला एक बताना ना इसको, शिवम वाला भी शिवम वाला है या उसका कृष्णा का? नहीं शिवम वाला, शिवम वाला बताना। और डायरी वाला था ना,
डायरील वाला मजा नहीं आएगा, किसमें ब्लैक सिंगल कलर सिंगल कलर में? हाँ मजा नहीं आएगा, 12 साल में सिंगल कलर मजा नहीं आएगा, पूरा आ जाएगा ना। ऊपर आ रही है भारत माता की जय, सच्चे भारत सपोर्ट मोदी ए हम ना ले बता। हाँ भाई तू ले भाई, तारीत मजा चले तू साइज इसके साइज का है क्या? पतंग उड़ाने के साथ में वो ये भी उड़ जाएगा? नहीं नहीं ये भारत माता नहीं नहीं ये उड़ जाएगा ये लास्ट टाइम लिया था भाई, पतंग लिया था लास्ट टाइम, इतना बड़ा इसके हाइट था उससे संभाल नहीं जा रहा है, उड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पर इस बड़ी पतंग को ग्लव्स चाहिए हाथ में, मैं तो नहीं गाइड है वो फाइटर ले स्काई फाइटर ये देखो इनको भी पूछो मिलता है मेरे पास लेके आ जाओ भर दूंगा ऐसा कुछ है देख दोबारा भर के दूंगा वही है ना वैसे ही हां सेम है थोड़ा सेम ही है थोड़ा 19-20 स्काई फाइटर है शिवम बस योगा तार में क्वालिटी अच्छा आता है नौ तार में क्वालिटी अच्छा है इसमें इसमें किस स्काई फाइटर में पंच स्काई फाइटर नहीं है अच्छा काज ज्यादा है उसमें दोनों में से बेस्ट कौन सा? 12 तार एक बार यूज करे तो यूज किया है ना 12 तार एक बार यूज करके देखो किया बट मेरे को तो अच्छा लगा बट आपके हिसाब से रिव्यू देना पसंद करो क्या? नहीं मेरे हिसाब से तो मेरे पास बेस्ट सब है दुकान में धंधा लेके बैठे पर हम लोग लेके गए उतना सब बेस्ट ही था देखने गए तो अपन कोई भी चीज नया कर मोबाइल भी खरीदते हो तो तुम कस्टमर सामने दुकान वाले तो बोलेगा भाई सैमसंग तो अच्छा ही है तो तुम्हारे मन में आईफोन बैठा है तो भाई ये वाला भी देखने का ये भी सेम ही है ना वही है ना वो मतलब नहीं है एक रील लेके तो 500 में पड़ेगा एक रील दो रील आपको 850 में यहाँ उसमें क्या है दो 500 का दो रील लोगे तो इसमें फिर भी फिरकी एक्स्ट्रा हो जाएगी बाकी कुछ नहीं भाई मांझा दिख रहा तगड़ा है खार भी अच्छा है सही है ना थोड़ी मारे बस बच्चे बस बस खार तो है भाई मांझे में दम तो है 12 तरह मतलब कौन सा ले रहा है पतंग लेते ही फाड़ दिया भाई ने ए तू फाड़ा नहीं नहीं उसका कम ले रहा है 40 ही लेना है चलो ए तेरे को सीधा डिस्काउंट मिल रहा है देख 10 रुपए का कौन सा वाला मोदी वाला मोदी 30 और ये 40 40 उधर देख वाली चॉइस कर ले बाहर दर फिक्स बाहर दर भाई ने बोला मतलब बोला क्या 12 हजार मतलब 12 हजार यूज करने हैवी है उसमें हैवी पतंग नहीं यूज हो पाएगा क्योंकि इसमें हवा ज्यादा रहेगी ना टूटने का जाके चांस है 9 तार का ना इसमें चलेगा ना 12 हजार पे तो खींच लेते हैं और 9 तार में क्या पतंग वजन रहेगा ना और खर्च ज्यादा है ना इसमें तो अपना उंगली कटने का ज्यादा चांस है हम लोग का तो इसका कल ही कट गया था स्काई फाइटर में तो छोटा पतंग ही उड़ाना सेफ्टी है बड़ा पतंग उड़ाए स्काई फाइटर में ना फट गया था लास्ट टाइम पे तो बहुत उंगली कट गई थी बड़ी बड़ी मार था वो एकदम वही मिलूंगा ये काला बारीक सबसे समझ रहे हो समझ रहे हो ना जूना पहला आता था पहले यही सब आता था पहला नौ उतारे भाई सारे पर उसमें इसमें भी पील खाता है ज्यादा ये पील बहुत खाते हैं काला बारीक में पहला हम लोग बहुत उड़ाए काला इसमें काट भी बहुत जल्दी लग जाते हैं
भाई मान जो घसीटने में टूट जाते हैं। तू सु कड़क थे ना एकदम तो अभी पतंग उड़ाते कि नहीं संक्रांत में उड़ाते हैं ना इस बार सैटरडे संडे मजा आ जाएगा। नहीं मेरे को इधर से टाइमिंग मिलता तभी आता हूँ बाकी तभी तो इधर बहुत कस्टमर आता होगा ना 4 बजे के बाद थोड़ा कस्टमर ठंडा हो जाते हैं फिर अपना टाइम चालू होता है। 4 बजे के बाद में क्या है सभी तरह से 12 बजे पब्लिक उड़ाती है ना पतंग 4 घंटे में थकती है पब्लिक और उतना वो धूप रहता है ऊपर टेरेस पे ऐसा नहीं कि टेरेस पे कुछ चार बजे डाल तो सब पीछे से पतंग तोड़ के छोड़ना चालू हो जाते हैं। राहुल आज ले ना 12 तारीख दे ना थोड़ा डिस्काउंट मार के ब्लॉग में 900 रुपए ले ला फेमस तो भाई हो रहे ना लगता अरे मैंने नहीं देखा था पर हम लोग कस्टमर आके बता रहे थे कि भाई अरे तुम तो तुम्हारी दुकान लॉक पे दिखे हम लोग बोला अच्छी बात है धड़क बोला मेरे को समझ गया बंदा मालूम पड़ गया कौन था हम लोग भी कल आए तभी वही पूछा ना भाई पहचाना कि नहीं तो भाई सीधा बोले पहचान लिया भाई होली में भी आए अभी दिवाली में भी आए सब त्योहार में आ गए बोला सीजन वाइज सब है अपने पास बोला सीजन वाइज अपने पास खाते के टाइम पे तो उल्टा और मजा आएगा व्लॉग बनाने खाते के टाइम पे खाता भी है ना अपने पास रेनी सीजन में सब सीजन में सब लगते रहते हैं यहां पे फिक्स हर सीजन सीजनल शो पे भाई का रेनी सीजन में कैसा व्लॉग बनाने को हां ये वो था सर हां ये आज कितना लगे 15 रुपया आधे से ज्यादा मेरा खत्म भी हो गया अभी माल है भी नहीं पूछा क्या खत्म हो गया मतलब ये अभी इसमें कमाना आटा ना और अभी गया तो 3-3.5 रुपए गया एक पतंग क्या बात कर रहे 4 रुपए में पतंग बिकती है अपने को आई 3 आटा ना कमाने का उसने भी लॉस उसने भी लॉस 1000 का बंडल आता है 100 पतंग भी गई 300 रुपए ऐसा ही गया 1000 के बंडल में कमाए वो पूरा लेते तो उसमें एक दो तो डिफेक्टिव निकलता ही है ना 10 में से 1 तो निकलता ही है कागज के पतंग में तो निकलता ही है क्योंकि अपना लेने जाने में भी कभी फट जावे बराबर हाँ वो तो है अभी आप इधर से चेक करके लेके जा रहे हो तो भी पटेला पटेला मिलता है 50 पतंग ले लो आ जाते अब अच्छे आ वाले तो कागज का पेपर रहता है ना एकदम नॉर्मल ये वाला तो लेना ही है और इसमें का अपने को 50 पतंग लेना होगा तो बिना करने वाला वैसे मैं 10 रुपए में बेचता हूँ तुम्हें चाहिए 100 पतंग चाहिए या 50 चाहिए पचास फिर से आएगा एक ही बार लेके जाओ ना सस्ता लगा के दे देगा अभी उसमें पतंग का देख तो ज्यादा ना मैं बेचने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ अंदर आके देख रहे तो देख नहीं है 50 में बोला 50 कागज का हाँ इसमें का बरेली का आए अंदर देखना है देख लेते चल देखते चले क्या चाहिए तेरे को क्या चाहिए वो पता इधर इधर काटे मत रे अभी इतना ही बचा है जी बाकी सब करनी बांधी ये वाला बचा मतलब ये सब बचा है ना इसमें का देखना भाई ये 700 का मंडल है अभी ये 800 था 800 पतंगे ये पूरा सा सोका इतना एक बंडल सोका है बाद में बोलता हूँ लेके जा चैनल 100 का बंडल है पूरा 2 साल की ए दो साल का मेहनत मेरा लेके जाएगा इसे यू ही मतलब पूरा हम लोग 100 लेते तो 100 बचता है 100 में तो किसी के और 10 पतंग आए वो सेम ही है क्या पूरा सेम साइज का ये भी सेम ही ना ये नहीं ये बड़ा साइज है एक साइज बड़ा है और इससे एक साइज बड़ा ये और है
अभी ये चांदा रहा है, ये ऐसा लेने जाएगा तो 15 रुपए। अच्छा, और पूरा गट्टा लेने जाएगा तो 1300 रुपए में पड़ेगा। नहीं पर ये क्वालिटी भी मस्त है। अरे એટલે આ પોઝિશન આ સોની બંડલ છે, ક્વોલિટી ભી રહેગી એટલે માસ્ટર બંડલ છે। पेपर क्वालिटी और उसका बटर पेपर आता ना, गसेट टेको भी अच्छा है पता। पर ये वाला बेस्ट लग रहा है मेरे को, वो बरेली पेपर। हाँ, वो बरेली का ही बेस्ट लगता है, उसमें सब मिक्स आएगा, पट्टा दोरंगा क्या। 1300 में आएगा, 15 रुपए का पता। हाँ, 100। और ये वाला अपना अपन जो रेगुलर लेके गए थे वो, और ये 1300 तुम बोल रहे हो, मैं 1300 बोल रहा हूँ। और इसमें का कितने का जो आप लोग लेके गए थे उसमें? 900 हम लोग लिया था, उसमें का 10 वाला लिया था, 750 आपने बोला था। कौन सा हम लोग लेके गए थे वो? वही वाला, वो छोटा साइज उसमें लेके गए थे ना। हाँ हाँ, वही 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 उसका ही बात कर रहे हैं। वो साइज देखो ना, उसका बड़ा है वो। हाँ नहीं, इसमें का हम लोग वो ऊपर वाला अलग है क्या? ऐसा पतंग रखने में भी कभी कभी पड़ जाता है। अभी ये बिना स्टैम्प का ले ना तो तुमको कम से कम 1100 में आएगा, यही साइज। क्या फर्क क्या रहेगा उसमें? पेपर में फर्क रहता है, बाकी कुछ नहीं, क्वालिटी में फर्क रहेगा। अभी वो चांदारा है, वो आपको 1200 में आ जाएगा चांदारा। और उसमें ये दो ही डिजाइन रहेगी, एक चांदारा और दो। और इसमें कितने डिजाइन आएगी? इसमें चार पांच है ना, पांच छह डिजाइन है। ये मेहनती है, इसमें डिफेक्टिव पीस नहीं रहेगा ना? चेक करके मिलेगा या फिर? चेक करके मिलेगा तो फिर खराब नहीं रहता भाई, थोड़ा बहुत फटेला रहता है। कितना खराब निकलता है वो तो मुझे ही पता। ओके, मतलब 100 में से 8-10 8 तो नहीं निकलते, 5 तो कम से कम 5 से निकलेगा। 5 भी निकला तो भी मेरे प्रॉफिट तो गया ही ना। हाँ, वो तो बनने वाले नहीं पतंग, क्योंकि कार्ड ही टूट गया तो वापिस बनता नहीं बनता, बनाने जाएगा ना तो उससे ज्यादा खर्चा उसको आएगा। हाँ, इतना कमाएगा नहीं, उससे खर्चा आएगा। पर इसका साइज भी अच्छा है, इसका मीडियम साइज है ना, इसका प्रॉपर साइज एकदम। हाँ, ये चाहिए तो ये सस्ता आएगा, ये 600 में आएगा, ये 600 में आएगा पूरा बंडल। पर ये वाला मजा नहीं आता उड़ाने, बहुत हल्का लगता है, उड़ाएगा तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। ये साथ में बेचता है, वो भी मैं प्लेन साथ में बेचता हूँ, कलर वाला तो बाहर में निकाला ही नहीं, ये वाला साथ में बेचता हूँ। ये वाला अभी मेरा मोल सब माल तो खत्म ही हो गया। कलर किस तरह से? अरे मांझे का कलर बोले, फिरकी का मांझे का यार, मांझे का कलर किधर है? राहुल का नखरा बहुत लड़की जैसा, एकदम डार्क कलर चाहिए भाई, मजा आता है। हां तो बोलना, मांझा नहीं दिखना चाहिए। हां तो बोलना, डार्क कलर चाहिए, लाइट वाला धूप में दिखता है, उसमें डार्क कलर रहेगा तो लेके आओ ना डार्क कलर। तो भाई की पतंग देखो, स्काई ब्लू है, डार्क नहीं है। फुल ऑन धमाल, वो तो दिखाया है ना, ये वाला वही सेम कलर है। बता था ना, ये वाला था, मतलब यही बेस्ट है, ये जो है 12,500 में जो यही सब, ये जो है यही बेस्ट है। 12,000 में इसमें आता है, क्वालिटी पर आता है, उसमें कम बढ़ती आता है। इसमें बॉबिन में कोई भी डालोगे ना, उसमें बढ़ती भी है, कोई कोई है ना फिरकी बड़ा दिखता है पर उसमें दो रील नहीं रहता है। हाँ, बराबर बोले आप, ऐसा बहुत जन को बना डालते हैं। मेरे साथ हुआ है ना, 3 रील का फिरकी में लाया था खरीदी करके, पर उसके टाइम जो मैं वो माल ले रहा था, 1.5 रील निकला होगा। होता है वैसा, इसमें कुछ नहीं होगा वैसा,
वो नवसार भी बनाते कंपनी। जब आप हाथ से करोगे ना तो ढीला पड़ेगा। और इसमें कैसा मालूम है, ये लोग कोई भी लेबल लगा देते हैं। अभी बिरकी पे देखो क्या लेबल लगा है। 12 तार दोनों बाजू भी दे दो। 12 तार हाँ। वो लोगों को कागज नहीं मिला तो कुछ भी लगा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। पब्लिक को 12 तार 9 तार नहीं देती, मान जब पसंद आया ले लो। अभी वो तो आपने स्काई फाइटर लिया था, वो तो 6 तार था, तो भी मान जा तो एकदम मस्त था ना। 6 तार था, मतलब उसमें थार था। 6 तार था तो उसमें 12 निकलता था। तो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग वीडियो एंड कर रहे हैं। तो आप लोग ने जैसे कि बताया था मुझे मोनेटोकाइट का मांजा अच्छा नहीं है, तो उसका प्रमोशन मत करो। तो अभी हम लोग ने लिया है कितना तार राहुल? 12 तार का लिया है। तो अभी हम लोग ने लिया है फिर से 12 तार। और पतंग भी देखो, पतंग बताया था तो दो पतंग तो अभी मान जी के अपन रिव्यू देंगे कल। कल नहीं, कल मेरे को थोड़ा काम है। तो कल उड़ाएंगे कि नहीं? कल मेरे को थोड़ा काम है, परसों अपन रिव्यू। अरे पर ये कल ही उड़ाने वाले, ये कल ही उड़ाएंगे, कल ही उड़ाएंगे। ये तो तूने देखा तो कैसे उड़ाएंगे। अरे तू क्या बड़ा साया है, चल। तो परसों आएंगे अभी अपन मोनो गाइड का, मतलब जो प्रमोशन का आप लोग बोल रहे थे, तो मोनो गाइड का भी मान जी के अपन टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे। अभी अपन आ गए फिर से अपने इंडियन 12 तार सतरंगी मांझा। सतरंगी था कि पांडा था? ये सतरंगी पांडा है, कौन सा है अभी तो बोला ट्रिपल जा। तो ऐसे ही मिलते अभी और एक व्लॉग फिर से बनाएंगे। भाई को हम लोग ने बोला करके हम फिर से भी आने वाले पतंग लेने के लिए, तो भाई का पूरा माल खलास हो गया था। अंदर आके भी हम लोग को शूट कर, अंदर आके मतलब शूट कर ले, देख ले भाई पतंग है ही नहीं अंदर कुछ भी, इतना ज़्यादा मतलब था ज़्यादा, पर जैसा हम लोग को चाहिए था वैसा नहीं था। तो भाई बोल रहे थे हम लोग को कि अभी लेके जाते हो फुल डिस्काउंट में देते, पर अभी राहुल बोला अभी नहीं लेते, तो एक दो दिन देख सकते हैं पतंग हमारी बहुत बड़ी है। तो अब लोग दो दिन के बाद फिर से आएगी इधर। कितना पतंग लेने वाला राहुल तू? सब लोग अभी 100 की बात कर रहे हैं, हम 100 ले लेंगे। हम भी 100 ले लेंगे, हम हमारी 100, ये इनकी 100, 200 की 200 है भाई, इनकी तो 200। अरे भाई ने तो बरेली से मांझा मंगाया है, 200 पतंग मंगाई है भाई, बता नहीं 200 एक पतंग उड़ाया नहीं अभी तक। पतंग के साथ खुद ही उड़ जाने वाला है, खुद ही उड़ने वाला। तो आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मोनो गाइड वाला भी आप लोग का कमेंट की वजह से मैंने वो वीडियो बनाया था कि भाई वो मांझा कितने का था पूरा रील का, मुझे मतलब प्राइस नहीं का, तो आप लोग ने कमेंट किया था उसलिए मैंने बनाया था। और आप लोग ही फिर से भी बोल रहे हैं कि भाई मोनो गाइड का प्लास्टिक मांझा भाई बैन है, यूज मत करो वो सब। उसकी जगह आप लोग ने ये वाला मांझा ही लिया है, तो अभी देखते हैं। तो चलो मिलते हैं इसी नेक्स्ट व्लॉग में। 50K व्यूज हिट हुआ तो कुणाल जल्दी टैटूज पे व्लॉग बनाने वाला है, तो हिट कर दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। चलो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।